हेलो, हेलो, सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम भाई, जी भाई, बोलो। वो गए थे राशिद भाई वहां पर आप? जो कुतुब शाही जो मस्जिद है खाजा घोड़ा किम्स जी अस्पताल के पीछे, क्या जी क्या अभी अभी मैं वहां से ही निकला, वहां भाई, से क्या है असल वो मस्जिद का दायरे को पार कर शरंगेज लोग अंदर दाखिल होके पूरी वक्की जायदाद है वहां पर एक गैर कानूनी तरीके से मंदिर तामीर कर लिए, और ये पूरे तेलंगाना की पुलिस की जेरे निगरानी में हुआ। और अब फिल वक्त वक्फ बोर्ड जायजा लेना, वक्फ बोर्ड की कोई टीम आई हुई है, चेयरमैन तो नहीं आया, कोई जो टीम आई हुई है उनको बराबर रिकॉर्ड भी उनके हाथ में नहीं है, हाँ गजट के पेपर्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं वो डिमांड करा कि फौरन FIR रजिस्टर कराना, जो लोग शरंगेज ये चीज को अंजाम तक पहुंचाए उनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड होना। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ है, कलेक्टर कहाँ है, महमूद अली कहाँ है, KTR कहाँ है, ये बीजेपी के लोग आके पोलराइज कर रहे, हिंदू मुसलमान के झगड़ों को आगे बढ़ा रहे, उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि दिन दहाड़े यकीन मानो आप मस्जिद इतनी प्यारी मस्जिद के सामने जो किरबी की शीट लगी हुई है, और वक्फ बोर्ड का फर्ज था कि वो बाउंड्री वॉल बनाना, बाउंड्री वॉल नहीं बनाए, किरबी शीट को ढकल के तोड़ के अंदर दाखिल होके उनका गैरकानूनी तरीके से वो मंदिर तामीर कर डाले। ये तो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, सही बात है भाई। आप बिल्कुल बोलो। और ये पूरे बीजेपी के लोग, RSS के लोग, क्यों बोले तो इनको पोलराइज करना है, हर जगह पोलराइज करना है। और वो मुंगूर का इलेक्शन भी चल रहा है, हाँ आगे इंतखाबात आने वाले, वो जहन में रख के, ये जुल्म है ना। और एक बात बोलो, पहले बाकी जब जायदाद है ये तो अल्लाह की जायदाद है, तो वक्फ बोर्ड कहाँ है? वक्फ बोर्ड खामोश कैसा बैठा हुआ है? क्या वक्फ बोर्ड को इत्तला है या इसकी नहीं है? आप एक बात बोलो, एक छोटा पत्थर भी इधर से उधर हला तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पता चल जाता, फिर बात है। इन लोगों को पता चला हुआ है ये चीज, ये मनसूबा तय चीज को अंजाम तक पहुंचाए, सो ये वेल प्लान चीज है, वेल प्लान एंड एग्जीक्यूटेड। अरे पुलिस पूरा छावनी बना के रख डाली, वो जगह पे जाने भी नहीं दे रही, जाने सही बात है, सही बात है। जाने किसी को नहीं दे रहे चलो। हाँ किसी को तो नहीं दे रहे। जी हाँ अरे अम्मी को एक बात बोलो, वक्फ बोर्ड का क्या काम है? पहले तो FIR रजिस्टर कराना और ये हिफाजत इकदाम जो है वो लेना। अब बाउंड्री वॉल नहीं करे उन लोग, क्या हो रहा है तेलंगाना में समझ में नहीं आ रहा। सही बात है। और सबसे सबसे ज्यादा देखिए भाई, कोई चीज अहमियत रखती तो होम मिनिस्टर की बातचीत, और होम मिनिस्टर को इतला नहीं है क्या ये चीज का? आप मेरे को बोलो, सही बात ऐसा है, मैं सही इतला रहता, बात है छोटा एक केस हुआ तो मालूम हो जाता होम मिनिस्टर को, इतनी बड़ी मस्जिद के दायरे के अंदर आके कोई तामीर करके चले आ रहे, कोई गैर कानूनी चीज हो तो उसको पता नहीं, बोलता हो ही नहीं सकता। जी हाँ सही बात है, हाँ सही बात है। वो राजद में ये पुलिस वालों से भी बात हुई आपकी? पुलिस वालों से बात हुई, पुलिस वाले कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको, कुछ मौकों पे नहीं है उन्हें कुछ बोलने के लिए। जी हाँ, कुछ भी बात, इमाम साहब से मिले आप जो है सो मस्जिद के बाजू इमाम का? साहब से मिले, पूरी कमेटी से मिले, और पूरे मुसल्लियों से मिले, वहां ठहरे, मुआयना करे, और वो जो शर पसंद लोग है वो लोग सुकून से वहां भाई ठहरे हुए सड़कों पे उतरे हुए। अब केस बुक होगा साहब लोगों के ऊपर, पुरंग के अब ऊपर? होना केस ऐसा नहीं होता, केस बुक होना पड़ता ना केस बुक, जी हाँ वही तो मैं मुतालिबा करा, वक्फ बोर्ड जायजा लेना, जाके उन्हें FIR रजिस्टर कराना। जी हाँ अगर FIR नहीं रजिस्टर है तो कौन करेगा? सही वक्फ बात है, बोर्ड कस्टोडियन रहते ऐसी चीजों की, बाकी जायदादों के कस्टोडियन है, सही उन्हें नहीं बात करा तो कैसा? क्या है। पूरे अब चुड़िया पे लेके बैठ गए क्या इन लोग? हाँ जब जाके जहाँ बोले आप, पूरे तेलंगाना में मस्जिदा शहीद हो जा रहे, आशो खाने शहीद हो जा रहे, हाँ रातों रात अंदर दाखिल होके कोई चीज तामीर हो जा रही वहाँ, ख्वाजा महमूद मस्जिद को तो पूरा छावनी बना के मिसमार कर डाले, क्या नहीं मालूम होता? समझ रहे इंटेलिजेंस कहाँ है? आप बोलो पुलिस की इंटेलिजेंस को नहीं पता चलता? SB कहाँ है? फिर वो पुलिस को भी इतला मंदिर करने बन वाले गए तो वहां पर राजा तो अरे मंदिर बना मंदिर दे। बन बन बना के बना भी दिए, अच्छा मंदिर बन गई। जी, अब अब जो पुलिस भी क्या होगा एक्शन कानूनी लेती है? कार्रवाई, अब कानूनी कार्रवाई होंगे, पुलिस क्या एक्शन लेती है देखना। देखो पुलिस पहले तो जो भी ये चीज को अंजाम तक पहुंचाए पहले तो एक FIR रजिस्टर्ड होना, उसके बाद में कानूनी कार्रवाई होना, दस्तूर के दायरे में रह के अपन ये चीज को आगे तक पहुंचाएंगे, कैसा भी अपन तो इंशाल्लाह खामोश इंशाल्लाह। तो नहीं बैठने वाले, पूरा दस्तूर के दायरे में कानून के दायरे में करेंगे जो भी चीज, जी हाँ, कोई वो भी चीज जोर कल से चल जबरदस्ती रहा नहीं था होगी। कहते भाई, वो कल से प्रोग्राम चल रहा था, इमाम साहब बोल रहे हैं ना कल से प्रोग्राम चल रहा था कहते वो। अरे उन लोगों को संभलने भी नहीं दिए बाबा, कोई किसी को भी जी समझ में नहीं आया ना कब इतनी तेजी से दाखिल हुए लोग, दाखिल होके ये काम को अंजाम तक पहुंचा डाले। ठीक है, ये एक बार बोलो, पूरा मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है,
सही बात है, ये नहीं समझ में आ रहा ये महमूद अली ये जो हुमिलसर है वो शख्स को ये जमीर कैसा इजाजत दे रही है चीजों को। सही बात है, वो शख्स का जमीर क्या है, जिंदा है क्या है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अभी तो मुसलमान है ना जी, पूरी पुलिस को मालूम हो रहा, पुलिस की जेरे निगरानी में हो रहा, अब ये क्या है। अब कुछ मर बस इतना है कि मैं पूरा उनसे अपील करा कि कोई लॉ एंड ऑर्डर को कोई हाथ में मत लो, अब तक जो अपने को तेलंगाना का अमन सुकून बरकरार रखने का है, जो भी चीज होगी कानून के दायरे में होंगी और कानून से ही मुतालिबा है हमारा, करो एक्शन में आओ, इंसाफ दिलाओ हमारे को। ठीक है चलो राशिद भाई, सही बात है, सही बात है, चलो अब लगे हुए ना राशिद भाई, चलो दुआएंगे, शुक्रिया भाई, चलो।